Hello students, now in today's DC machine lecture, we are going to study about the armature reaction and its effects, okay? So now, armature reaction and its effects. What is meant by armature reaction? सबसे पहले armature reaction क्या होता है? So armature reaction क्या होता है? कि it is the effect of armature flux or the main flux is known as the armature reaction. So if you want to define armature reaction, अगर armature reaction को define करना है, तो हम उसको कैसे define कर सकते हैं? So it is the effect of armature flux on main flux. Okay, अभी हम लोग main जो main flux है, उसको हम दूसरा main flux भी बोल सकते हैं. Okay, so this is the definition of the armature reaction. अगर एग्जाम में आपको दो मार्क्स में पूछा जाए कि व्हाट इज मीन्ड बाय आर्मेचर रिएक्शन, अगर दो मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ आपको डेफिनेशन ही लिखनी है. बट अगर ऐसा पूछा है कि एक्सप्लेन आर्मेचर रिएक्शन, देन यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर होल इट्स इफेक्ट्स एंड बोथ. ओके, तो आर्मेचर रिएक्शन क्या हुआ? इट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फ्लक्स. अब मेन फ्लक्स क्या होता है कि जब भी मशीन को यानी कि जनरेटर या मोटर को जब भी हम सप्लाई देते हैं, ओके, तो उसके टाइम क्या होगा कि जो फील्ड होगा उसकी वजह से फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होता है. ओके, अब ये जो फील्ड फ्लक्स है, अब जो आर्मेचर कंडक्टर होते हैं उसके अंदर से भी करंट फ्लो होता है. ओके, तो उसकी वजह से आर्मेचर फ्लक्स भी होगा. अब ये जो पूरा आर्मेचर है उसको अगर हम दो पोल के बीच में रख देते हैं, ओके, तो दो पोल के बीच में जो हुआ वो क्या हो रहा है? मेन फ्लक्स. जो सपोज सो हियर दिस इज द मेन फ्लक्स. ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? आर्मेचर को रखेंगे. ओके, तो आर्मेचर का खुद का भी यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं. ओके, तो आर्मेचर कंडक्टर्स जो होंगे उसकी वजह से भी उसका खुद का एक फ्लक्स होगा. ओके, तो ये क्या हुआ? आर्मेचर फ्लक्स. यानी कि अगर हम आर्मेचर को मेन फ्लक्स के अंदर रख देंगे तो क्या होगा? दोनों जो फ्लक्स है उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा एंड उसकी वजह से मेन फ्लक्स है इट विल बिकम वीक. यानी कि जो मेन फ्लक्स होगा वो वीक होता है. तो ये जो इफेक्ट होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? आर्मेचर रिएक्शन. यानी कि द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फ्लक्स इज नॉन एज द आर्मेचर रिएक्शन. ओके, नाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन. आर्मेचर रिएक्शन. ओके, तो अब आर्मेचर रिएक्शन की इफेक्ट कौन कौन सी है? तो यहां पे जो आर्मेचर रिएक्शन है उसके दो मेन कंपोनेंट रहेंगे. एक कंपोनेंट है वो है डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. दूसरा जो कंपोनेंट है वो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. ओके, तो टोटल दो कंपोनेंट है, एक है डी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, दूसरा है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. अब जो डी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट? ओके, तो डी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वजह से क्या होगा? जो मेन फ्लक्स है वो वीक होता है. ओके, बिकॉज इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मेन फ्लक्स. तो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा? वो जो मेन फ्लक्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इसकी वजह से वो जो मेन फ्लक्स है उसको वीक बनाता है. यानी कि इट वीकन्स द मेन फ्लक्स. जबकि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या होता है? तो
फ्लक्स होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डाइवर्ट होती है, यानी कि इट डाइवर्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द मेन फ्लक्स। ओके, तो यानी इसकी जो इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन में उसमें क्या आएगा, इट हैविंग टू कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज द डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, सेकंड वन इज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। एक डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या होता है कि डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा वो मेन फ्लक्स से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसकी वजह से जो मेन फ्लक्स होगा उसको वो वीक कर देता है। ओके, सेकेंड है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है कि जो मेन फ्लक्स होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है उसको वो डाइवर्ट करता है, यानी कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ओके, अब आर्मेचर रिएक्शन की जो इफेक्ट है वो बेनिफिशियल नहीं है। ओके, तो हमें कुछ भी ऐसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन की जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, यानी कि मेथड्स टू आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन की इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए कौन कौन से दो मेथड्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट वन है एडिशनल टर्न्स ऑन होल्स, एडिशनल टर्न्स ऑन होल्स, एंड सेकेंड वन है कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। ओके, यानी कि ये दो मैथड्स है जिसका यूज करके हम आगे जो रिएक्शन की जो इफेक्ट है उसको ओवरकम कर सकते हैं। नाउ एडिशनल टर्न्स ऑन पोल्स, सो एडिशनल टर्न्स ऑन पोल्स में क्या किया जाता है कि जो पोल्स होते हैं उसके ऊपर एडिशनल टर्न्स जो होते हैं उसको बाउंड किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, एंड वो जो होगा वो क्या करेगा, जो आर्मेचर जो मेन फ्लक्स है उसमें जो डिक्रीज आता है उसको वो ओवरकम कर देगा। सो इन एडिशनल टर्न्स ऑफ फोर्स में क्या चलता है, तो एडिशनल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं पोल में बाउंड किया जाता है। अब एडिशनल नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम पोल पे बाउंड करेंगे तो उसकी वजह से क्या मिलेगा, हमें एडिशनल फ्लक्स मिलेगा। ये जो एडिशनल फ्लक्स मिलेगा हमें, तो एडिशनल फ्लक्स क्या करेगा कि जो आर्मेचर रिएक्शन की इफेक्ट की वजह से जो फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, ओके, तो उसको क्या करेगा, एडिशनल फ्लक्स ओवरकम करेगा, एंड इन दिस वे द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन विल बी नलीफाइड। यानी कि बाय यूजिंग एडिशनल टर्न्स ऑन पोल्स वी कैन ओवरकम द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब एडिशनल टर्न्स ऑन पोल्स ये जो मेथड है इसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन का जो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है इसकी जो इफेक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो एडिशनल नंबर ऑफ टर्न्स के हेल्प से वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ओके, नाउ सेकंड, तो सेकंड वन है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है, इसकी हेल्प से जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है उसकी वजह से जो इफेक्ट आती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होते हैं तो उसको कहाँ पे रखा जाता है, तो जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होते हैं उसको जो पोल फेस होता है उसके अंदर स्लॉट्स कट किए जाते हैं। जस्ट सपोज दिस वन इज द पोल, ओके, तो जो पोल होंगे पोल के अंदर स्लॉट्स को कट किया जाता है,
उसके अंदर कंडक्टर्स को रखा जाता है, यानी कि ये जो कंडक्टर्स होंगे उसको हम बोलेंगे कंपेंसेटिंग वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये पोल है तो इसके नीचे क्या आएगा, आर्मेचर आएगा। ओके, आर्मेचर होता है उसके स्लॉट और टीथ है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन एंड आर्मेचर करंट की जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी इट विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ओके, तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का उसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है, वेर इट इज प्लेस्ड, तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द पोल। जो पोल होते हैं पोल के अंदर स्लॉट्स को कट किया जाता है, स्लॉट को कट करने के बाद उसके अंदर कंपेंसेटिंग वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है। अब यहाँ पे जो आर्मेचर करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन एंड जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो होगा दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। जबकि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होते हैं उसको आर्मेचर के साथ सीरीज में रखा जाता है। ओके, सो दिस इज थ्योरी ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन इट्स इफेक्ट एंड मेथड्स टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन। ओके, तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, सो इट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स। मेन फ्लक्स यानी कि फील्ड फ्लक्स। जब भी मशीन को सप्लाई दिया जाता है तो फील्ड वाइंडिंग में से मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ओके, ये जो फ्लक्स है वो मेन फ्लक्स है। अब जब आर्मेचर कंडक्टर्स में से करंट फ्लो होता है उसकी वजह से भी दूसरा फ्लक्स मिलता है, तो ये जो फ्लक्स होगा उसको हम बोलेंगे आर्मेचर फ्लक्स। अब आर्मेचर को जब मेन फ्लक्स के अंदर रखा जाता है, ओके, यानी कि जब पोल्स के बीच में आर्मेचर को रखते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आर्मेचर फ्लक्स होता है एंड जो मेन फ्लक्स होता है दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। ओके, तो ये जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से जो मेन फ्लक्स होता है वो वीक हो जाता है, तो ये जो इफेक्ट है इसको हम बोलेंगे आर्मेचर रिएक्शन। ओके, एंड इफ यू वांट टू डिफाइन द आर्मेचर रिएक्शन देन इट इज डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स इज नॉन एज द आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर रिएक्शन है, ओके, तो जो उसके दो कंपोनेंट है, फर्स्ट है डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एंड दूसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो जो मेन फ्लक्स की अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो होता है डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पे जो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होगा उसकी वजह से मेन फ्लक्स होता है वो वीक होता है, यानी कि इट रिड्यूस द मेन फ्लक्स। ओके, जबकि दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है कि जो मेन फ्लक्स होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है उसको वो डाइवर्ट करता है, यानी कि इट डाइवर्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द मेन फ्लक्स। ओके, यानी कि जो लीडिंग पोल टिप्स होती है वहाँ पे वो कम रहता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जबकि जो ट्रेलिंग पोल टिप्स होते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, वो कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी ये जो इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वजह से होती है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन द मेन फ्लक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन, सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय आर्मेचर रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ओके, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन को समझाना है, आपको डिफिनेशन देनी है एंड उसकी जो इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। नाउ राइट डाउन द सेकंड क्वेश्चन, सो एंड सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन मेथड्स टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो इफेक्ट होती है उसको ओवरकम करने के लिए कौन कौन से मैथड, यानी कि जो मैथड्स है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, यानी कि यू हैव टू राइट डाउन टोटल टू क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय आर्मेचर रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इन सेकंड क्वेश्चन मेथड्स टू इम्प्रूव
methods to overcome the effect of armature reaction. यानी कि आर्मेचर रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए जो मेथड्स है वो आपको एक्सप्लेन करनी है. ओके, नाउ मेथड्स टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन. तो आर्मेचर रिएक्शन की इफेक्ट है उसको ओवरकम करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है. तो उसमें फर्स्ट वन है एडिशनल टर्न्स ऑन पोल्स. ओके, यानी कि यहाँ पे पोल्स होते हैं. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड वाइंडिंग की गई होती है. सो यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू ऐड मोर नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, तो जो पोल्स होते हैं उसके ऊपर एडिशनल टर्न्स को ऐड करना है. अब जैसे ही हम एडिशनल टर्न्स यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पोल पे माउंट करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी सप्लाई देते हैं, ओके, तो उस टाइम पे सप्लाई देने की वजह से जो नंबर ऑफ टर्न्स एडिशनल हमने ऐड किए हुए हैं उसके साथ भी करंट, उसमें से भी करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. यानी कि वी गेट एडिशनल फ्लक्स, हमें एडिशनल फ्लक्स मिलेगा. तो एडिशनल फ्लक्स हमें मिलेगा, ये जो एडिशनल फ्लक्स है उसकी वजह से हमें क्या हेल्प मिलेगी कि जो आर्मेचर रिएक्शन होगा उसकी वजह से फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है. तो जो रिडक्शन होता है मेन फ्लक्स के अंदर उसको ये क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा. यानी कि जितना फ्लक्स कम मिलेगा उतना ही सामने हमें एडिशनल फ्लक्स मिलेगा. यानी कि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेन फ्लक्स है वो बैलेंस हो जाएगा. जो एडिशनल टर्न्स ऑन पोल्स मेथड है इसकी वजह से जो आर्मेचर रिएक्शन की जो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की इफेक्ट है उसको हम नलीफाई कर सकते हैं या तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं. यानी कि जो वीक होता है फील्ड, मेन फ्लक्स जो होता है वो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वजह से वीक होगा. तो अब क्या होगा, एडिशनल नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे तो उसकी वजह से एडिशनल फ्लक्स मिलेगा. तो उसकी वजह से जो फ्लक्स में मेन फ्लक्स डिक्रीज होता है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं. यानी कि वी कैन नलीफाई द इम्पैक्ट ऑफ द डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन. नाउ इन सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में हमने क्या किया है, तो कॉम्पेंसेटिंग फाइंडिंग है उसको रखते हैं. तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग होता है उसको कहाँ पे प्लेस किया जाता है. तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है कि जो पोल्स होते हैं पोल्स के अंदर स्लॉट्स कट किए जाते हैं. ये जो स्लॉट है इसके अंदर कंडक्टर्स को रखा जाता है. तो अब ये जो कंडक्टर्स है इसको हम बोलेंगे कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग. ये जो वाइंडिंग है उसको आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. अब जब भी करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे नीचे आर्मेचर होगा पोल के नीचे. ओके, तो जो आर्मेचर कंडक्टर्स है और यहाँ पे कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है दोनों में जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी. यानी कि दोनों में से पोलारिटी है, जो करंट की पोलारिटी है वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी. यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है उसके अंदर जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो मैंने डॉट्स से मेंशन की है. तो डॉट यानी क्या, कि आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है. ओके, जबकि जो आर्मेचर कंडक्टर है उसके अंदर आप देख सकते हो जो कंडक्टर्स दिखाए हैं उसमें क्रॉस डायरेक्शन दिखाई है. तो क्रॉस मीन्स व्हाट, इट मेंशंस इनवर्ड करंट. ओके, यानी कि यहाँ पे जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं उसमें इनवर्ड करंट जा रहा है जबकि पोल्स है उसमें से जो करंट फ्लो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है. यानी कि द पोलारिटी ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द पोल यानी इन द कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एंड इन द आर्मेचर कंडक्टर्स आर अपोजिट. यानी कि दोनों में से जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है. सो दिस इज द थियोरी ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एंड मैथड्स टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन.